हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोहित एमएलटी। आज काफ़ी समय के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि यूरिन किस प्रकार से हम अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन। बने रहिए मेरे साथ, और जो भी मेरे वीडियो पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपडेट होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक यूरिन कंटेनर लेना है, स्टराइल कंटेनर, जिस पे हमें अपने पेशेंट का नाम, एज और रेफर वाइड हमें मेंशन करना है, जैसा कि हमने किया है। हमारा सीरियल नंबर 12C हम इंडिकेट करते हैं। आप जैसा चाहे आप वैसे कर सकते हैं, 1, 2, 3 करके भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड हमें देखना होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें यूरिन के कलर को आइडेंटिफाई करना है कि यूरिन का कलर कैसा है, कलरलेस है, पेली येलो है, रेडिश है या डार्क येलो है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। कलर में हमें कलर लिख देना है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी ये रिपोर्टिंग है, यूरिन एग्जामिनेशन रिपोर्ट। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहला ऑप्शन दिया है हमारा कलर का। ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा कलर है। कलर हमारा क्या है, जो भी कलर होगा आप यहाँ पे, पेल येलो हमारा कलर है यूरिन का, तो हमने पेल येलो लिख दिया। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूसरे नंबर पर हमारा क्वांटिटी है, तो हम यूरिन की क्वांटिटी लिखेंगे। उसके बाद हमें देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी है QNS, क्वांटिटी नॉट सीन। चौथे नंबर पर हम देखेंगे डिपॉजिट। हम अपने यूरिन को देख के पता लगा सकते हैं कि उसमें टर्बिडिटी अगर आती है, अगर दिखाई देती है, तो हमारा डिपॉजिट क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ। अगर कोई भी यूरिन बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल क्लियर यूरिन आपको दिखाई देता है, तो हम उसमें अब्सेंट लिख देंगे। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद अपीयरेंस देखते हैं। अपीयरेंस हमारा जो भी टर्बिडिटी है हमें उसमें प्रेजेंट है या अब्सेंट है उसको देखेंगे। अगर हमारा यूरिन बिल्कुल क्लियर है तो हम उसको क्लियर लिखेंगे, अगर टर्बिड है तो यहाँ पर टर्बिड करेंगे। सेकेंड नंबर पर आते हैं हमें केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे उसका रिएक्शन, रिएक्शन हमारी क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एसिटिक और एल्कलाइन, हमारी दो रिएक्शन होती है। एसिटिक और एल्कलाइन का पता हम कैसे लगाएंगे देखते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा न्यूट्राई स्टिक pH, हमारा ये स्ट्रिप आई हुई है, ये मार्केट से किसी भी सर्जिकल दुकान से हमें आसानी से अवेलेबल हो सकती है। इसमें हमें 3 पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नंबर 1 पे हमें ये ग्लूकोज, सेकंड नंबर पे प्रोटीन एंड pH, हमारे ये 3 पैरामीटर्स हैं जो हमें इस स्टिक में देखने को मिलेंगे। इस स्टिक की मदद से हमें इसमें pH एसिडिक है या एल्कलाइन है हमें इसका पता लगाएंगे। अब और हमारे यूरिन में ग्लूकोज अब्सेंट है या प्रेजेंट है, और प्रोटीन अब्सेंट है या प्रेजेंट है, हम इस ड्राई स्टिक की मदद से हमें देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें यूरिन के ढक्कन को ओपन किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यूरिन कंटेनर को ओपन किया। ओपन करने के बाद ये आपको स्टिक दिखाई दे रही होगी, ये हमारी इसकी स्ट्रिप है। स्ट्रिप को हमें 30 सेकेंड यूरिन में डिप करना है। कुछ इस तरह से हमें यूरिन में डिप करना है 30 सेकेंड के बाद देखते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने 30 सेकेंड इसको डिप किया है यूरिन के अंदर। यूरिन के अंदर डिप करने के बाद जो भी हमारा ये पैरामीटर्स कलर चेंज करेगा, तो हमें इस बॉक्स की मदद से हमें जो भी हमारा स्ट्रिप पे ये कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे, हमारा ग्लूकोज का कलर है, हल्का आसमानी कलर, निगेटिव हल्का, ऐसे ही हमें प्रोटीन में देखने को मिलेगा। प्रोटीन के अंदर भी हम स्टिक की मदद से इसमें देख सकते हैं, और ऐसे ही हमें इसमें pH को देखना है। pH देखने के बाद हमें
पता चल लग जाएगा कि हमारा एसिडिक है या एल्कलाइन। पीएच हमारा लेस देन 7 हमारा एसिडिक होता है, मोर देन 7 से हमारा एल्कलाइन होता है। इसकी मदद से हमें इसमें एसिडिक या एल्कलाइन का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी रिएक्शन हो गई एसिडिक। उसके बाद एल्बुमिन, एल्बुमिन अगर कोई भी कलर चेंज होता है तो हम उसको बॉक्स की मदद से हमें उसमें 1+, 2+, 3+ या अगर अब्सेंट है तो हम इसमें अब्सेंट लिख देंगे। ऐसे ही हमें शुगर, शुगर का अगर पेशेंट को शुगर है तो हमारा उसमें स्टिक में ज़्यादा आएगी। जिस तरह से पेशेंट की शुगर ज़्यादा होगी उसी हमें स्टिक में भी देखने को मिलेगी। ये जैसा कि हमारा इसमें शुगर अब्सेंट है तो हमने ये अब्सेंट लिख दिया है। एल्बुमिन नए मेथड से हम अपने यूरिन में आइडेंटिफाई कैसे करेगा, अगर नॉर्मल यूरिन है तो हमारा अब्सेंट आएगा, अगर यूरिन प्रोटीन आती है तो स्टिक की मदद से भी हम पता लगा सकते हैं, और एक सल्फोसैलिसिलिक एसिड की मदद से या एसिटिक एसिड की मदद से हमें उसको हीट करके भी पता लगा सकते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ऐसे ही हमें शुगर को आइडेंटिफाई करना है तो हमें वैनिटिक रिजेंट की मदद से हमें शुगर का पता लगाएंगे अपने यूरिन में, तो मैं ये एक सेपरेट वीडियो इसकी बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपको मिस ना करें। फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम आपको देखेंगे ये पस सेल्स। पस सेल्स में हमें जितना भी माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देखेंगे तो हमें जो भी दिखाई देगा हम इसमें हाई पावर फील्ड में पूरा देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। इसी प्रकार हम इसमें एपिथेलियल सेल्स को देखेंगे, हमारे नील हैं तो नील लिखेंगे, जो भी क्वांटिटी आती है तो हम उसको देख सकते हैं। ऐसे ही आरबीसी देखेंगे, वैसे ही हम इसमें कास्ट देखेंगे। कास्ट में हमें डब्ल्यूबीसी कास्ट, ग्रैनुलर कास्ट, फैटी कास्ट, जो भी हमें देखने को मिलेगी हम इसमें देख सकते हैं। ऐसे ही हमें क्रिस्टल, क्रिस्टल में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड हमें देखने को मिलेंगे। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये माइक्रोस्कोप अवेलेबल है। इन माइक्रोस्कोप की मदद से हम अपने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम अपने पस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, आरबीसी सेल्स, कास्ट एंड क्रिस्टल तो को आइडेंटिफाई करेंगे हम इस माइक्रोस्कोप की मदद से। जो भी हमारे यूरिन में जो भी प्रेजेंट आएगा हम उसको अपनी रिपोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, और जो अब्सेंट आएगा हम उसको अब्सेंट करेंगे। इसी प्रकार हम अपनी यूरिन एग्जामिनेशन की रिपोर्ट को पूरा तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा ओकल ब्लड के बारे में, कि हम अपने पोटी या स्टूल में हम अपने ओकल ब्लड को कैसे प्रेजेंट या अब्सेंट देखेंगे, हमारे स्टूल में ब्लड आ रहा है या नहीं, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।